फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्ट्रीट फूड सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं बनाऊंगी दही पूरी और सेव पूरी। सेव बटाटा पूरी और दही पूरी बनाने के लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। उसमें है ये पोटैटो या आलू, जिसे मैंने उबाल के मैश करके रख लिया है, और यह है हमारी हरी चटनी जो पुदीना और धनिया से बनी हुई है। ये थोड़ा दही है, और यह है इमली की खट्टी मीठी चटनी, और इसमें मैंने एकदम बारीक काट के रख लिया है थोड़ा सा कांदा, टोमेटो ये भी बारीक काट के रखा है, धनिया और नींबू, और मैंने इसमें लिए हैं बारीक सेव। और इसमें कुछ मसाले हैं जो मैंने लिया है, जैसे मैंने लिया है चाट मसाला और काली मिरी पाउडर या काली मिर्ची का ब्लैक पेपर पाउडर, और ये है ब्लैक सॉल्ट, और ये है लाल मिर्ची पाउडर। सेव बटाटा पूरी बनाने के लिए मैंने कुछ चपटी पूरी ले ली है, जैसे पापड़ी वगैरह होती है उस टाइप की, और ये मैंने लिया है दही बटाटा पूरी बनाने के लिए, ये गोल पूरी लिए। पहले हम सेव बटाटा पूरी बनाएंगे, और उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा आलू ले लिया है, इसे मैंने बॉईल किया हुआ था और मैश करके रखा था, और इसे हम इसकी टॉपिंग के लिए लगा देंगे। इस तरह से ये टॉपिंग लगा देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा चटनी। ये है मेरी हरी चटनी, इसे थोड़ा थोड़ा सा मैं एक ड्रॉप डाल दूंगी। ये आसान है बनाना, सभी को बहुत पसंद है, एकदम चटपटा सा बनता है। और अब मैं इसे जो अपनी खट्टी मीठी इमली की चटनी है इसे मैं डाल रही हूँ। या आप अपने अनुसार, आपको जितना चाहिए, खट्टा मीठा ज़्यादा चाहिए या तीखा ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से बना लें। ऐसे इसकी रेसिपी मैं देने वाली हूँ आगे आने वाले वीडियोस में, मेरे पास था इसलिए मैंने यही यूज़ किया है। और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ ये एकदम बारीक काटा हुआ, चॉप किया हुआ अनियन। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा डालना है, आप जितना टॉपिंग डालेंगे, जितना अलग अलग वैरायटी में टॉपिंग डालेंगे, आपकी जो चाट है या सेव बटाटा पूरी है बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगी। इसमें मैंने लगा लिया है थोड़ा सा कांदा, और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ थोड़ा सा टोमेटो। देखिए इस तरह से मैंने डाल दिया है इसकी टॉपिंग, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ सेव। सेव से पहले मैं डाल देती हूँ थोड़े से मसाले, जैसे हमने ले लिया है ये चाट मसाला, और इसे हमने ऐसे थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर लिया। चाट मसाले के बाद मैं थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर पाउडर, ये थोड़ा थोड़ा ही डालें, कभी कभी बच्चे पसंद नहीं करते हैं तो आपके हिसाब से, आप चाहो तो स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने लिया है ये है ब्लैक सॉल्ट, ये काफ़ी स्वाद देता है इसको। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इसको थोड़ा सा चटपटा और तीखा बनाने के लिए, ये भी आप आपके स्वाद के अनुसार ले लें। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ढेर सारा सेव। सेव आप जितना डालेंगे उतना अच्छा लगता है, इसमें बारीक सेव लें, यही डलता है इसमें। इस तरह से, और उसके बाद मैं डालने जा रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। हरे धनिया से मैं गार्निश कर रही हूँ। थोड़ा और चटपटा बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया। नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ दही पूरी। इसके लिए मैंने ले लिया है ये बॉइल्ड बटाटा, इसको हल्का सा हम लोग अंदर भर देंगे पूरी में। ये देखिए, इस तरह की चीज़ें जब हम रेसिपीज घर पे बनाते हैं
तो ये एक तो इसमें हाइजीन रहता है, ये बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है, खाने में हमें कुछ डर नहीं लगता है। तो इस तरह से आप घर में बना के खाइए, ज़्यादा अच्छा है, और अपने हिसाब से अपन बना सकते हैं, जितना मसाला यूज़ करना हो, तीखा बनाना हो, मीठा बनाना हो, आप जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अभी आलू भर दिया है, और आलू के बाद मैं भरने जा रही हूँ थोड़ा सा कांदा। ये मैंने बना भर दिया है कांदा, टमाटर और हरा धनिया। आपको जो भी पसंद हो इसमें डालिए। अगर आपके पास कॉर्न हो तो आप कॉर्न डाल सकते हैं, या अगर आपके पास पनीर हो तो आप पनीर भी डाल सकते हैं। इसमें जैसे चाहिए आप जैसे आइडिया कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और हेल्दी भी बनता है। घर पे बनाइए और खाइए। और अब मैं डालने जा रही हूँ चटनी। ये मेरी चटनी है, वही खट्टी मीठी इमली की चटनी। मैं डालने जा रही हूँ ये हरी चटनी। और अब मैं डालने जा रही हूँ ये थोड़े से मसाले, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, काला नमक और लाल मिर्ची पाउडर। ये आप अपने हिसाब से डालिए जितना चाहिए उतना। और फाइनली मैं डालने जा रही हूँ ये दही है, इसको मैंने थोड़ा सा फेंट के रख दिया था। इसे चाहो तो आप इसमें थोड़ा शक्कर डाल के मीठा बना दें, बट मैंने मीठी चटनी डाली इसलिए मैंने मीठा नहीं बनाया, पर हल्का सा थोड़ा सा नमक डाला है इसमें। तो इसको हम जितना चाहो उतना आप डालें, बहुत ही अच्छा लगता है। देख के ही मुंह में पानी आ जाए, इतना टेम्पटिंग है ये। आप सभी बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसे थोड़ा और एनहांस करने के लिए थोड़ा सा और चाट मसाला, हल्का सा, और जस्ट पिंच ऑफ चिली पाउडर। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर टेम्पटिंग एकदम। और अब इस पे मैं डालने जा रही हूँ ये सेव। यहाँ पे थोड़ा सा चाहो तो हम और थोड़ा हमारा टमाटर वगैरह डाल सकते हैं गार्निश करने के लिए। टमाटर है, कांदा है और धनिया वगैरह, और थोड़ा गार्निश करने के लिए डाल सकते हैं। तो ये दीजिए, तैयार है हमारा दही पूरी। आई होप आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आगे भी आपको मेरे वीडियोस देखने हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।